बेसिकली तो हम गोरखपुर से हैं। गोरखपुर में पैदाइश भी हुई, पढ़ाई भी वहीं हुई, और वहां से निकल के फिर हमने बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान ऑल टुगेदर दूसरे स्टेट में जाके पढ़ाई की। अपना बैचलर्स भी हमने वहीं से किया और मास्टर्स भी, बोथ वॉज इन कंप्यूटर साइंस। और जब मैं अपने मास्टर्स में थी तभी आई गॉट मैरिड। मेरे हस्बैंड जो थे वो US रहते थे उस समय, और वहाँ पे मैंने सबसे पहले जॉब ज्वाइन की एज अ डेवलपर। वहाँ पे हमने जब तक अपना सारा काम प्रॉपर हुआ और प्रमोशंस मिले तब तक हमारा ट्रांसफर हो गया थाईलैंड, क्योंकि आई वॉज अ ट्रेलिंग स्पाउस, आई डेंट हैड वर्क परमिट। मेरे हस्बैंड के पास था वर्क परमिट, आई वॉज ऑन अ डिपेंडेंट वीज़ा। तो मैंने सोचा कि हम इस समय को इस्तेमाल करते हैं और किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, बिकॉज एटलीस्ट आई कैन स्टडी। बट हुआ ये कि जहाँ मैं पढ़ने जाती थी तो उन्होंने मुझे ऑफर किया जो कॉर्पोरेट ट्रेनर की जॉब। वहाँ पे भी सब कुछ सेटल जब तक हुआ, वी गॉट टू नो दैट आई एम एक्सपेक्टिंग। तो हमने ये किया कि आज दिस इज द फर्स्ट चाइल्ड, वी वॉन्टेड कि फैमिली शुड बी अराउंड, सो वी वेंट टू इंडिया फॉर दैट टाइम बीइंग। बट देन अगेन, तो दैट वॉज द टाइम वेन आई डिसाइडेड आई गो फॉर कुलिनरी। मैंने वहाँ पे कुलिनरी पढ़ना शुरू किया, हमने एग्जाम दिया, एंट्रेंस पास किया। हमने कॉलेज में एक कॉम्पिटिशन था और बाई गॉड्स ग्रेस हम जीत गए उसे, नेशनल कॉम्पिटिशन भी इवेंचुअली जीत गए। तो फर्स्ट शेफ बर्ट कप, एज सून एज आई विन दैट, काम मिलने लगा। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं काम करूँगी एज अ शेफ, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि जिसे ये हो सकता है, बिकॉज आई वॉज आई टी ट्रेंड, और कभी जहन में आई नहीं ये बात कि मुझे ऐसा करना चाहिए या मुझे खाना बनाने का शौक है। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम वेन आई रियलाइज कि मुझे खाना बनाने का शौक है। तो फिर वहाँ से शुरुआत हुई, हमें डेमोज मिलने लगे बहुत ढेर सारे फूड एक्सपो के। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड ऑन माई कुलिनरी जर्नी, वहाँ से शुरुआत हुई। फिर वहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा था तब तक हमने फिर से ट्रांसफ़र लिया और हम कोरिया आ गए, और वहाँ पे जितने भी इंडियन प्रोजेक्ट्स थे सब मैंने हैंडल किया एज अ हेड शेफ। मज़ेदार बात यह है कि हम कभी भी हिंदुस्तानी खाने में ट्रेंड नहीं थे, बिकॉज़ फिलीपींस में जब आप करते हैं कोर्स तो वो आपको इंटरनेशनल फूड सिखाते हैं। तो हमने छोटे रेस्टोरेंट से बात की कि हम आप मुझे पैसे मत दो, मुझे रख लो। लोगों के लिए बहुत अजीब बात थी कि पैसे नहीं लेती और काम करने जाती है 12-12 घंटे, किस लिए? सो दैट्स हाउ आई लर्न्ड अदर थिंग्स लाइक तंदूरी एंड नान एंड ऑल दोज थिंग्स टू मेक, एंड देन इवेंचुअली आई गॉट टू नो आई एम प्रेग्नेंट विथ माई सेकेंड चाइल्ड। तो श्री अरुण जेटली जी, फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया, विजिटेड हियर। दैट वॉज द टाइम वेन आई वॉज लाइक येस, दिस इज द टाइम आई कैन शो पीपल वॉट ऑल आई हैव लर्न्ड, एंड आई टेक इट पर्सनली एज अ बिग अचीवमेंट, क्योंकि एम्बेसडर और श्री जेटली, श्री के मोदी, सबने खाने की तारीफ की, जो कि एक होम कुक, IT प्रोफेशनल से कुक बनी, शेफ बनी लड़की के लिए बहुत बड़ी बात है। तो हमने रास्ता चुना कि हम अपना दूसरा हुनर ढूंढेंगे और रास्ता बनाएंगे अपने लिए रादर देन बैठ जाने के। सो वही है कि अगर ज़िंदगी ने आपको कुछ दिया है तो आप उसमें से रास्ते निकालिए रादर देन हार के बैठ जाने के।